चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो लाना चाहते हैं, सोने सा निखार पाना चाहते हैं, स्किन को तेजी से ग्लोइंग ब्राइटनिंग व्हाइटनिंग बनाना चाहते हैं, टाइट जवा और खूबसूरत बनाना चाहते हैं ना, तो आज की रेमेडी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक नहीं दो तीन रेमेडी आज इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो की फेशियल ब्लीच से कई गुना ज्यादा निखार आपको देने वाला है। स्किन से कालापन, मैल, झाइयां, दाग धब्बे, चुर्रियां सब खत्म होने वाले हैं। स्किन इतनी ज्यादा ग्लोइंग ब्राइटनिंग होने लग जाएगी और एक ही बार में आपकी स्किन की शेड इतनी ज्यादा लाइटन होंगे ना, सचमुच आप हैरान रह जाएंगे। गर्मियों के लिए बेस्ट होम रेमेडी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें एक फेस टोनर भी बता रही हूँ, जो आपके स्किन को हाइड्रेट रखेगी, टाइट एंड ब्राइट एंड बनाएगी। डल, रूखी, सूखी, बेजान और डार्क स्किन से परेशान है ना, तो आज की रेमेडी एक बार लगा करके देखिए, एक ही बार में आपको काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, स्किन इतनी ज्यादा गोरी, चमकदार और टाइट होने लग जाएगी और स्किन की सारी प्रॉब्लम्स भी दूर होती हुई नजर आएगी आपको, और एक बार में ही ना 100% रिजल्ट आपको मिलने वाले है। तो कोई भी शादी पार्टी, तीज त्योहार हुई या स्पेशल ओकेजन या फिर ऐसे भी, हफ्ते में एक बार लगा करके देखिए इस रेमेडी को, फेशियल से कई गुना ज्यादा निखार मिलने वाला है और इंग्रेडिएंट सारे आपके अपने घर पे मिल जाने वाले हैं, तो एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो अभी देख पा रहे हैं मैं अपने फेस का क्लीन अप करने वाली हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हमने चाहिए होगा कच्चा दूध और एलोवेरा के टुकड़े में मैंने कट लगा करके इसी से अपना फेस का क्लीन अप करने वाली हूँ, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। फ्रेश एलोवेरा ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, साथ में कच्चा दूध तो स्किन को डीप क्लीन कर देता है, हाइड्रेट रखता है स्किन को और बहुत ही ज्यादा स्किन के लिए इफेक्टिव है, जैसे कि झुर्रियां, झाइयां, दाग धब्बे, पिंपल्स की समस्या है, स्किन की डार्कनेस है सब दूर होने लग जाती है, स्किन एकदम तरोताजा और रिफ्रेश फील करती है। इस तरीके से आप कच्चे दूध और एलोवेरा से चेहरे को धोए ना, तो आपको कोई फेस वॉश वगैरह भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से वर्क करता है ये, ऑल स्किन टाइप्स कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो बस 2 मिनट के लिए इस तरीके से हमें एलोवेरा और कच्चे दूध को लगा रहने देना है स्किन पे। आप चाहे तो हल्के हाथों से आप थोड़ा सा मसाज भी दे सकते हैं अपर डायरेक्शन में, इस तरीके से जितनी भी स्किन पे मैल, गंदगी होगी ना सब निकल जाएगी, डार्कनेस दूर हो जाएगा, स्किन बहुत ही ज़्यादा लाइट एंड ब्राइट और टाइट भी होने लग जाएगी। तो आज की जो रेमेडी है फेशियल के जैसे ही हम अप्लाई करने वाले हैं, बना कर लगाने वाले हैं, लेकिन फायदे इतने ज़्यादा मिलने वाला है ना, सचमुच आप हैरान रह जाएंगे। तो बने रहेगा वीडियो में और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो 2 मिनट के लिए इस तरीके से एलोवेरा और कच्चा दूध को लगा रहने देना है, इसके बाद इसको हमें रिमूव करना है। तो फ्रेंड्स पहली बार आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज तो मैंने सब्सक्राइब वाला टी शर्ट भी पहना है और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। फ्रंट कैमरा यूज़ करती हूँ जिस वजह से उल्टा दिख रहा है आपको, लेकिन आपके फ़ोन में तो सब्सक्राइब बटन एकदम सीधा दिख रहा होगा, तो प्लीज़ क्लिक जरूर करिएगा और न्यू है चैनल पे तो नहीं तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, आपका एक लाइक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है हमें। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स स्किन पे कितना ज़्यादा लाइट आ गया है, ग्लो आ गया है, शाइन आ गई है ना। तो अभी हम ये रेमेडी अप्लाई करने वाले हैं, उससे पहले जान लेते हैं कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है। तो आज की जो रेमेडी एकदम सिंपल तरीके से मैं बनाने वाली हूँ, जिसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट होगा हमारा कॉफ़ी पाउडर। आप तो जानते हैं फ्रेंड्स कॉफ़ी इतना ज़्यादा अच्छा होता है हमारे स्किन को, एकदम रिफ्रेश बनाता है, एकदम क्लीन बनाता है, साथ में जितने भी डेड सेल्स है ना सबको दूर करता है, स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग ब्राइटनिंग बनाता है, शेड को लाइटन करता है, साथ में डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन पर भी वर्क करता है। वैसे ही बेसन हमें लेना है 1 चम्मच, तो 1 चम्मच हमने कॉफ़ी लिया, 1 चम्मच शुद्ध चने का बेसन, बेसन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। थोड़ी सी इसमें हमने कस्तूरी हल्दी ऐड कर लेनी है, जो कि पता ही फ्रेंड्स कितना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हमें लेना है चावल का पानी, तो सफ़ेद चावल का पानी मैं भिगो करके रखी थी और इससे हम अपना टोनर भी बनाने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो में। और स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा टोनर आज मैं बता रही हूँ, जो कि गर्मियाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाले हैं। तो इसमें हमने चावल का पानी डाला है, तो आप चाहे तो इसकी जगह रोज वाटर भी डाल सकते हैं, इसमें कुछ और भी इंग्रेडिएंट डालने बाकी है तो देखिए क्या डालते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई भी गांठ ना पड़ जाए। जब मिक्स हो जाता है फिर 1/2 चम्मच इसमें हम कोकोनट ऑयल डालेंगे, नारियल का तेल, स्किन को अच्छे से जो है मॉइस्चराइज रखेगा और अभी जो हल्की सी स्किन ड्राई जैसे हो जाती है ना वो नहीं होगी और साथ में डार्कनेस भी दूर होती है स्किन से। उसके बाद हमें लेना है ऑरेंज पील्स पाउडर 1 चम्मच, यानी कि संतरे के छिलके का पाउडर। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, अगर आपकी स्किन को नींबू सूट करता हो तो, नहीं तो आप संतरे के छिलके को सुखा करके उसका पाउडर बना करके स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन में वर्क करता है, स्किन के डार्कनेस को भी दूर करता है, स्किन को तेज़ी से लाइट एंड ब्राइट बनाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। तो आप ऑरेंज का जूस भी डाल सकते हैं, नहीं तो नींबू का रस अगर आपके स्किन को सूट करे ना तो 1/2 चम्मच आप डाल लीजिए इसमें, और
किस तरीके से इस रेमेडी को लगाना है उसके लिए पूरा वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स की रेमेडी बनाए और आप अपने मन से ऐसे लगा ले तो बाद में आप बोलेंगे कि उतना अच्छे से वर्क नहीं किया। तो किस तरीके से लगाना है वो बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमने स्किन की अच्छे से क्लीजिंग कर रखी है, तो अब करने वाली हूँ स्किन का मसाज, साथ में स्किन की स्क्रबिंग भी हो जाएगी। तो स्किन की जो मसाज और स्क्रबिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे कि स्किन पे डेड सेल्स पड़ जाते हैं ना तो वो सब दूर होने लग जाएंगे। मसाज जो है ब्लड सर्कुलेशन को अच्छी करती है जिससे स्किन बहुत ही तेज़ी से ग्लो करने लग जाती है, चमक आने लग जाती है। तो मैंने फेस पैक के जैसे लगाया बट फेस पैक नहीं लगाने अभी, अभी ऐसे ही फेस पे अप्लाई करके हल्के हाथों से हमें मसाज करना है, एकदम जेंटली मसाज करना है आपको। और बीच बीच में आप कच्चा दूध ले सकते हैं अपने हाथों पे, उससे मसाज करने में आसानी होगी, साथ में और भी रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो फेस मसाज के कुछ स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करें जो कि एकदम सिंपल है, आप खुद से अपना फेस मसाज कर सकते हैं। स्किन पे जितनी भी झुर्रियाँ हैं ना सब दूर होती ही नज़र आएगी, जितनी भी स्किन की डार्कनेस है सब खत्म हो जाएगी और स्किन तेज़ी से लाइट एंड ब्राइट ग्लोइंग चमकदार दिखने लग जाएगी और स्किन में कसाव आएगा, स्किन टाइट होने लगेगी। तो जो भी डलनेस है स्किन पे ना सब दूर होते हुए नज़र आएगी, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन की समस्या खत्म होगी। इस रेमेडी को आप हफ्ते में एक बार तो ज़रूर लगाइए, नहीं तो आप वीक में 2-3 दिन भी लगा सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ऑल स्किन टाइप्स हैं। और इसमें नारियल तेल हमने मिलाया है तो इसका ऐसा मतलब नहीं है कि आपकी स्किन को एकदम से चिपचिपा कर देगा। तो आप एक बार इस रेमेडी को लगा करके देखिएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने इसमें नारियल तेल भी ऐड किया है। तो हल्के हाथों से मसाज जब आप करेंगे ना तो स्किन काफ़ी तेज़ी से चमकदार दिखने लग जाती है और स्किन के अंदर से ग्लो आता है और एकदम शीशे के जैसी चमकती हुई स्किन हो जाती है। तो आप घर बैठे अपना इस तरीके से फेशियल के जैसे ग्लो पा सकते हैं बिना पैसे खर्च किए, और महंगे से महंगा प्रोडक्ट भी भूल जाएंगे जो कि केमिकल वाला होते हैं तो वो सब हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो इस तरीके से स्किन का ख्याल आप अपने घर पे रखें। डेवे पे अगर आप दिल से भरोसा करें ना तो आपको कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केवल 4-5 मिनट के लिए हमें इस तरीके से मसाज करनी है हल्के हाथों से, जितनी भी स्किन पे रिंकल्स, फाइन लाइंस की समस्या है सब खत्म होंगी, झाइयाँ दाग धब्बे भी हल्के होते हुए नज़र आएंगे आपको। लेकिन हाँ, रेमेडी को आपको लगातार लगाना है, वीक में 2-3 दिन ज़रूर ही लगाइए, नहीं तो आप हफ्ते में एक बार भी लगा सकते हैं। और जब भी आपको चाहिए कि स्किन पे एकदम तेज़ी से ग्लो लाना है, चमक लाना है, तो आप इस रेमेडी को लगा लीजिएगा एक बार, तो आपको एक बार में ही बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं इसको रिमूव कर ले रही हूँ, आप चाहे तो इस पर से ही एक लेयर और लगा ले फेस पैक के जैसे, लेकिन रिमूव कर ले तो और अच्छा है कि स्किन की जितनी भी गंदगी मैल है ना वो सब निकल जाएगी अभी, और अलग से फिर से दोबारा से मैं फेस पैक के जैसे अप्लाई करने वाली हूँ रेमेडी को। तो देख पा रहे फ्रेंड्स स्किन कितनी ज़्यादा गोरी चमकदार दिख रही है सचमुच। तो जब ये रेमेडी आप अप्लाई करेंगे ना तो 2-4 सेट स्किन लाइटन होती हुई नज़र आएगी, इतनी ग्लो देखते तो चौंक जाएंगे आप और लोग भी पूछेंगे क्या लगा रहे हैं आजकल आप अपने चेहरे पे। तो एक बार से जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फेस पैक के जैसे इस रेमेडी को अप्लाई कर लेते हैं, पूरे फेस पे नेक पे लगा लेना है हमें और 15 मिनट के लिए रहने देना है, 15 से 20 मिनट रहें, 20 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 15 मिनट ही अगर आप रख लेना है स्किन पे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। स्किन पे चमक आ जाएगा तेज़ी से, स्किन का सांवलापन दूर होगा, स्किन की जो डार्कनेस है, मैल है, टैनिंग हो गई है स्किन पे वो सब दूर हो जाएगी। तो पूरे फेस पे नेक पे अप्लाई कर लूँगी इस रेमेडी को, उसके बाद 15 मिनट के बाद लाइव रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सचमुच मैं खुद ही हैरान रह गई थी, बहुत ही ज़्यादा स्किन पे ग्लो आ जाता है, शाइन आ जाती है स्किन पे और स्किन एकदम क्लियर स्मूथ दिखने लग जाती है, ब्राइटनिंग दिखने लग जाती है, वाइटनिंग भी होने लग जाती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़, कहना पड़ता है क्योंकि भूल जाते हैं आप लोग लाइक करना। और देख पा रहे हैं 15 मिनट हो चुके थे और अभी मैं लाइव रिजल्ट्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कपड़े, गीले कपड़े से पोंछ लूँगी मैं और देख लीजिए एक बार में स्किन एकदम चमकदार दिखने लग गई है। स्किन पे ग्लो और चमक देख कर ना आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं। तो इस रेमेडी को ज़रूर बनाएगा लगाएगा। और अभी एक टोनर भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि गर्मियों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, स्किन टोनर जो कि फेस टोनर आप घर पर तैयार कर सकते हैं और अपने स्किन को रिफ्रेश, तरोताज़ा रख सकते हैं, हाइड्रेट रख सकते हैं, साथ ही स्किन प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकते हैं। तो एक टोनर बना करके रख लीजिए फ्रिज में और हफ्तों दिन तक आप यूज़ करिए और स्किन की प्रॉब्लम्स भी दूर होगी, साथ में स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइटनिंग भी दिखेगी और टाइट भी होने लग जाएगी, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन सब खत्म होंगी, स्किन प्रॉब्लम्स दूर होगी।
अभी तो देख लीजिए स्किन पे जो शाइन दिख पा रहा है, जो चमक है, जो स्किन सचमुच इतना ज्यादा लाइट एंड ब्राइट हो गई है ना, दिल खुश हो जाता है। आप लोग के साथ ऐसी रेमेडी मैं शेयर करती हूँ कि जो इफेक्टिव होते हैं, जो मैं पहले खुद पे ट्राई करती हूँ, वर्क करता है तभी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स और मैं क्या ही कहूँ, तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है ये रेमेडी। अभी तो फेस टोनर बनाना बाकी है, लगाना बाकी है, तो चलिए बना लेते हैं इस फेस टोनर को, जो एकदम से पिंकिश ग्लो देने वाला है, स्किन को एकदम गुलाबी सा निखार, सोने सा निखार देने वाला है। उसके लिए एक बीट रूट को कद्दूकस करके हमने इस तरीके से उबालना है। वैसे मैंने इन्हें हेयर पैक के लिए यूज़ किया था, तो इसमें आप स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अलसी के बीज और मेथी के दाने भिगो करके रखे थे, उसको मैंने डाल करके इसका आइस क्यूब भी बनाया है, उबाल लिया थोड़ी देर के लिए, फिर उस पानी को हमने स्टोर कर लिया हुआ है। इसको आइस क्यूब बनाकर भी इस तरीके से फेस पे लगा सकते हैं। फिर चावल के पानी का भी आइस क्यूब बना करके मैं रख लेती हूँ, गर्मियों को देने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है। इस फेस टोनर के लिए मैं चावल का पानी ले रही हूँ, जो कि 2 दिन फुला करके मैंने रखा हुआ था फ्रीज में, तो इसको हम डाल लेंगे। और जो अलसी के बीज और चुकंदर और मेथी वाला जो पैक के लिए हमने वाटर तैयार किया हुआ था, उसको मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, 2-3 चम्मच के अनुसार से ही लिया है। तो मैंने हेयर ग्रोथ के लिए बनाया था, लेकिन स्किन के लिए भी उतना ज़्यादा अच्छा होता है। फिर इसमें हमने ग्लिसरीन भी ऐड कर दी है। ये रेमेडी स्किन को रिफ्रेश, तरोताज़ा रखेगा, मॉइस्चराइज रखेगा, हाइड्रेट भी रखेगा, साथ ही स्किन को तेजी से स्मूथ क्लियर बनाने के साथ साथ स्किन को टाइट भी बनाएगा। तो अलसी के बीज, मेथी के दाने, बीट रूट, ये सब हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्किन को लाइट एंड ब्राइट बनाते हैं, टाइट बनाते हैं, सफा और खूबसूरत बनाने में मदद करते हैं। साथ में स्किन पे ग्लो भी लाते हैं, चमक लाते हैं, गुलाबी सा निखार देखने को मिलता है। तो समर स्किन केयर रूटीन में ना इस टोनर को आप जरूर से शामिल करिए। तो जैसे अदर टोनर यूज़ करते हैं ना, रोज वाटर लगाते हैं अपने चेहरे पे, तो उसकी जगह इस टोनर को लगा करके देखिए, स्किन बहुत ही ज़्यादा लाइट एंड ब्राइट, स्मूथ, क्लियर दिखने लगेगी, रिफ्रेश रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी। इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा है ना कि मैं क्या ही कहूँ। एक बार आप बना करके लगाइए। चावल का पानी है, 2-3 दिन अगर आप उसको बना करके रखें तो हल्की सी स्मेल देती है, लेकिन बहुत ही अच्छे से स्किन पे वर्क भी करती है। तो आपको बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लेना है, 2 हफ्ते तक लगाना है, फिर दोबारा से बनाइए और लगाइए। फाइनल रिजल्ट्स आपके सामने है, किस तरीके से स्किन पे ये चमक शाइन दे रहा है, ग्लो आया है, स्किन की शेड लाइटन हुई है, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।